आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस इशू के लेके है कि आज हमने एक साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये था कि जितने भी खंडित मंदिर हैं कश्मीर में उन सबको दोबारा से रेनोवेट किया जाए, ना कि आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे, बल्कि वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे, ताकि जो धर्म की स्थापना हुई थी वहाँ पे और जिसकी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। एक छोटी सी होप हमें दिखी, एलजी ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी, उसके बाद एलजी साहब ने एक मीटिंग, एक 8 मेंबर्स की कमेटी बिठाई, मीटिंग की और कहा कि मुझे डाटा चाहिए कि कौन कौन से ऐसे खंडित मंदिर हैं जो कश्मीर में अभी भी स्थित हैं। लेकिन हुआ ये कि उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप एक तरफ बात करते हो, हमारी सरकार है भारत सरकार, एक तरफ कश्मीरी पंडितों की रीसेटलमेंट की वहाँ बात करती है, लेकिन इनकी मंशा जो है बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे धर्म को रिस्टोर करने की, हिंदू धर्म की स्थापना करने की। अब हमने एक आरटीआई लगाया था नारनाग के ऊपर। सबसे पहले तो हमने मारतंड पे इशू उठाया था, उस मारतंड का कुछ भी नहीं हुआ। नारनाग पे हमने एक आरटीआई लगाया एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसका हमने रिप्लाई भी दिया उनसे। उस रिप्लाई में उन्होंने ये बोला कि हमें जो पैसा आता है उस पर हमने फेंसिंग की है वगैरह वगैरह, लेकिन हम पर्सनली वहाँ पे विजिट किए हैं, हमने पर्सनली देखा कोई फेंसिंग प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। कोई भी आता है नारनाग में, जो पानी है वहाँ का, जो मंदिर का पानी है, वहाँ पे लोग जाके कपड़े धोते हैं। ये मेरे पास फोटो भी है, आप देख सकते हैं लेवल पे हमने इसको क्लिक किया है वहाँ पे, कि वहाँ पे जाके वो लोग कपड़े धोते हैं और ऐसी बुरी कंडीशन है वहाँ पे, ये पानी में पाँव भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। इस तरीके का जो बर्ताव है कश्मीरी हिंदुओं को लेके और हिंदू धर्म को लेके, ये बर्दाश्त से बाहर है। मेरी डिमांड सरकार से ये है कि नारनाग ही नहीं, उन सभी खंडित मंदिरों को दोबारा से रेनोवेट किया जाए ताकि धर्म की स्थापना हो। अगर कश्मीरी पंडित वहाँ जाएं तो रीसेटलमेंट के साथ साथ उनके रहने का इंतज़ाम भी हो और साथ ही उनकी सुरक्षा भी हो, खंडित मंदिरों को दोबारा से निर्माण भी हो और फिर से वहाँ पे पूजा पाठ अर्चना किया जाए। एएसआई के हाथ में दे के सिर्फ उसको ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे, ताकि वहाँ पे वहाँ के लोगों को नाराज़ नहीं करना, ये दोहरा चेहरा वो अब उतार दें और एक तरफा बात करें कि क्या वो सही में उनकी मंशा है कि जितने भी मंदिर आज तक खंडित हो गए हैं उनको दोबारा से स्थापित किया जाए। तो मेरी यही डिमांड है कि उसको किया जाए। मेरे पास और भी बड़े सारे फोटोज़ हैं जिसमें मैं दिखा सकता हूँ आपको अगर कैमरा में आए। तो ये देखिए कैसे एक लेडी जो है ये कपड़े धो रही है।